हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्श और मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ आपके प्यार से चैनल। चैनल का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा। गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि अगर अभी आपके पास टाइम ही नहीं है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए। जब आपको टाइम मिलेगा तब आप आकर देखिएगा, क्योंकि ये इस वीडियो में जो आपको मैं अभी बताने वाला हूँ ये आप ऐसे नहीं समझ सकते। आप एक कंसंट्रेशन, एक फोकस के साथ देखिएगा और एक नोटबुक और एक पेन लेकर जरूर बैठिएगा अगर आप देख रहे हैं तो, तभी आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर होगा और जो चीज़ मैं बताऊंगा आप उसको नोट करिएगा। और इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपको ये फायदा होगा कि आप बॉटम पे खरीद सकते हैं और टॉप पे बेच सकते हैं। हार्मोनिक जो है इसी चीज के लिए फेमस है, हाउ टू बाय ऑन बॉटम एंड सेल ऑन टॉप। बॉटम पे कैसे खरीदें और टॉप पे कैसे बेचें, या फिर टॉप पे कैसे बेचें और बॉटम पे कैसे खरीदें, तो ये चीज आपको हार्मोनिक ही बताता है। तो वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। अभी तक आप जैसे ट्रेडिंग करते हुए आ रहे हैं ना, आपका पूरा ट्रेडिंग स्टाइल बदल जाएगा अगर आप हार्मोनिक ट्रेडिंग सीख जाते हैं और इसको ग्राफ पे एनालाइज करके ट्रेड लेना सीख जाते हैं। तो आइए बिना वक्त को बर्बाद किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर हार्मोनिक ट्रेडिंग होता है क्या है। देखिए, हार्मोनिक ट्रेडिंग कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं बहुत टफ है। टफ उन लोगों के लिए है जो सीखना नहीं चाहते हैं। जो सीखना चाहते हैं और मेहनत करना जानते हैं वो आज ना कल, एक दिन, दो दिन, एक हफ्ते, एक महीने में सीख ही जाते हैं। तो उनके लिए टफ कोई चीज़ नहीं होता है। अगर आप इसको सही तरीके से समझ रहे हैं जैसे मैं आपको बताऊंगा और इसको नोट करें तो आपको इसी वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हार्मोनिक ट्रेडिंग क्या होता है? देखिए, हार्मोनिक ट्रेडिंग एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, आप इसको ट्रेडिंग स्टाइल बोल सकते हैं। एक चार्ट का पैटर्न फॉर्म करता है, हार्मोनिक का जो पैटर्न होता है उस चार्ट के पैटर्न को देखकर आप ट्रेड ले सकते हैं। बट वो जो चार्ट का पैटर्न फॉर्म होगा उसके पीछे एक लॉजिक होगा, लॉजिक होगा फिबोनाची नंबर्स या फिर फिबोनाची लेवल्स। फिबोनाची नंबर्स के पे ही डिपेंड करके वो चार्ट का पैटर्न फॉर्म होता है। अब मैं आपको ग्राफ पे सब कुछ करके बता देता हूँ ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए कोई प्राइस कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है। अब आप ये देख रहे हैं ऊपर जाना स्टार्ट हुआ है। अब आपको ये पता लगाना है कि ये कितना ऊपर जाएगा और फिर कितना ऊपर जाने के बाद कंटिन्यूसली फिर नीचे की तरफ आएगा। ये चीज हम पता लगा सकते हैं फिबोनाची के लेवल्स से। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं FIB रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे चेक करें, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को देखिएगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसका बस एक छोटा सा रूल है, मान लीजिए आपको इस इंपल्स का रिट्रेसमेंट चेक करना है कि ये कितना परसेंट रिट्रेसमेंट हुआ है, तो आपको बस क्या करना है, इसका जो सबसे टॉप पॉइंट है यहाँ पहला पॉइंट रखना है और दूसरा इसका जो सबसे लो पॉइंट है यहाँ रखना है। अब आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं 0.5 मतलब 50% से ये रिट्रेस होके इसको टच करके फिर कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ रहा है। इसको हम लोग बोलेंगे कि ये 50% से रिट्रेस होकर कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अभी आपको फिबोनाची नंबर्स के बारे में बता देता हूँ या फिर फिबोनाची लेबल्स जिसको बोलते हैं उसको बता देता हूँ। आप इसको नोटबुक में जरूर नोट करिएगा। फिबोनाची के इतने सारे नंबर्स होते हैं जो आपको हार्मोनिक पैटर्न को ड्रॉ करते वक्त काम आएंगे, मतलब इस सारे पैटर्न से ही हम लोग फिबोनाची के पैटर्न को ड्रॉ करेंगे। अब मान लीजिए जैसा कि देख सकते हैं 0.38 है, 0.5 है, 0.6 है, 0.7 है, 7.8 है, 8.8 है, ये सारे फिबोनाची के नंबर्स हैं, मतलब फिबोनाची के लेवल्स हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे फिबोनाची लेवल्स हैं। अब देखिए ये कहाँ से रिट्रेस हो गए नीचे आ रहा है, 50% से। अगर ये होता तो ये 61 से भी हो सकता था, 78 से भी हो सकता था, 23 या फिर 38 से भी ऐसे ऊपर जाता है, 38 को टच करके फिर कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ जाता। तो ये डिपेंड करता है, आपको ये रिजेक्शन चेक करना पड़ेगा कि कहाँ से रिजेक्शन हो रहा है और कहाँ से कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ रहा, तो उस हिसाब से आप इस पर ट्रेड भी ले सकते हैं। तो आई होप आपको फिबोनाची लेवल्स या फिर फिबोनाची नंबर्स क्या होता है, इसको कैसे ड्रॉ करना है, ये चीज़ समझ में आ गया होगा। छोटा सा काम है, एकदम सिंपल है, इस इंपल्स का रिट्रेसमेंट चेक करना है, इसके टॉप से लेकर इसके बॉटम तक लगा देंगे। अब मान लीजिए ये कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ रहा है, कितना नीचे आएगा इसको पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका ये इंपल्स है तो बॉटम से लेकर इसके टॉप तक फिबोनाची लगा देंगे। तो ये बॉटम, ये इसका हाई पॉइंट है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.61 है। अब ये वापस कहाँ, पहला रिजेक्शन, दूसरा रिजेक्शन 0.618। अब यहाँ से ये रिजेक्ट होकर ऊपर की तरफ जा रहा है। अब अगर ऐसा हुआ तो ये कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाएगा और इसको फिबोनाची लेवल कहाँ से ये रिट्रेस हुआ है, 0.618 से। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 0.618, ये भी फिबोनाची नंबर्स है। तो आप इसको नोट जरूर करिएगा ताकि फिबोनाची जब हम लोग पैटर्न बनाएंगे हार्मोनिक का पैटर्न, तब आपको ये चीज काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हार्मोनिक के पैटर्न्स को जानने से पहले एक छोटा सा टर्म है जो हम लोगों को पता होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल रिवर्सल जोन, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पीआरजेड बोलते हैं। पीआरजेड का मतलब होता है कि एक ऐसा जोन होता है जहां से अपना प्राइस रिवर्स होता है या अपना ट्रेंड को बदलता है। अगर टॉप पे कहीं पे पीआरजेड जोन फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब होता है कि प्राइस अब वहां से नीचे की तरफ आएगा, और अगर बॉटम पे कहीं पे पीआरजेड जोन बन रहा है, इसका मतलब होता है कि अब प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, इसको बोलते हैं पोटेंशियल रिवर्सल जोन। चलिए अब कितने तरीके की हार्मोनिक पैटर्न है वो समझते हैं। हार्मोनिक पैटर्न वैसे तो काफी सारे होते हैं, बट टॉप 7 जो हार्मोनिक पैटर्न है जिसके एक्यूरेसी रेट मोर देन 90% हो और जो ग्राफ पे ज्यादातर बनते हैं, वो टोटल 7 हार्मोनिक पैटर्न्स हैं। सातों को मैं एक एक करके इस वीडियो में अच्छे से कवर करूंगा। सातों पैटर्न में मैं आपको ये बताऊंगा कि उस पैटर्न में कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, उस पैटर्न के हिसाब से उसका स्टॉप लॉस क्या होगा और उसका टारगेट क्या होगा, सब कुछ एक एक करके डिटेल में समझाऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, और आधा अधूरा नॉलेज बहुत खतरनाक होता है गाइज, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पूरा नॉलेज लीजिए, जो जो चीज़ बता रहा हूँ उसको नोट करिए, ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो सबसे पहला पैटर्न जो है वो बैट पैटर्न, चलिए समझते हैं कि आखिर बैट पैटर्न कैसे काम करता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बैट पैटर्न्स के रूल्स लिखे हैं। सारे पैटर्न के अपने अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग फिबोनाकी के लेवल्स हैं, अलग अलग रिट्रेसमेंट लेवल है, सब कुछ यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि एंट्री पॉइंट क्या है, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, उसका रिट्रेसमेंट कितना होगा, कहाँ से, सब कुछ मैं अभी आपको लाइव ग्राफ पे करके भी दिखाऊंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप इसको नोट जरूर करिएगा, अगर आप इसको नोट कर लेते हैं तो जैसे कि आप बाद में भी इसको अगर ग्राफ पे ट्राई करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं एक्स ए है, ए बी है, बी सी और सी डी है। इसका मतलब ये हुआ कि बैट पैटर्न चाहे कोई भी पैटर्न हो, सारे पैटर्न में 5 लेग होते हैं, एक्स ए बी सी डी, ठीक है। अब एक्स है इंपल्स लेग होगा, ए बी, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक काम करता हूँ मैं आपको डायरेक्ट ग्राफ पे ले चलता हूँ और अच्छे से समझाता हूँ। चलिए ग्राफ पे डायरेक्ट, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये निफ्टी 50 का ग्राफ है। आप इस पैटर्न को किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं, किसी भी इंडेक्स में, किसी भी स्टॉक्स में यूज कर सकते हैं। ये पैटर्न चाहे कोई भी पैटर्न हो हार्मोनिक का प्रॉपर काम करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैंने पैटर्न बना के रखा हुआ है, अब मैं इसको आपके सामने ड्रॉ करके बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने दोबारा से रूल लिख दिया ताकि हम लोगों को पैटर्न बनाने में आसानी हो, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ एक्स ए इम्पल्स लेग, मतलब ये होता है कि आपको पहले एक इम्पल्स लेग फाइंड करना है। इम्पल्स लेग किसको बोलते हैं, जैसे कि देखते हैं ये एक इम्पल्स है, ये एक इम्पल्स लेग है, ये एक इम्पल्स है, ये इम्पल्स है, ये एक इम्पल्स, मतलब एक जो मूव है उसको हम लोग एक इम्पल्स लेग बोलेंगे। तो एक्स ए हम लोगों को फाइंड करना है, उसके बाद एक्स ए का जो रिट्रेसमेंट होगा ना वो 38 हो या फिर 50 हो, जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे ए बी, मतलब ए बी जो होगा वो 38 और 50% ऑफ रिट्रेसमेंट होगा एक्स ए का। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि 38 या फिर 50% से कोई रिट्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एक काम करते हैं हम लोग इस हाई से, ये जो इम्पल्स है ना, यहाँ यहाँ से लेकर इसके डाउन तक का रिट्रेसमेंट हम लोग चेक करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 50% है, 50% के ऊपर गया है, इतना सारा कैंडल क्लोजिंग भी ऊपर दिया है, तो ये लगभग 50% से ऊपर चला गया। तो यहाँ पे क्या है, 38 हो या फिर 50 हो, तो 50 से ऊपर है तो ये पैटर्न यहाँ पे काम नहीं करेगा। हम लोग एक काम करते हैं थोड़ा और ऊपर से रिट्रेसमेंट चेक करते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग रिट्रेसमेंट लगाएंगे इसका, इस इम्पल्स का, यहाँ से अगर हम लोग पूरे इस इम्पल्स का लगाएंगे तो इसका जो रिट्रेसमेंट हो रहा है वो एग्जैक्टली 50% से हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं 3 कैंडल 4 कैंडल से रिजेक्शन मिला, तो ये वापस मार्केट नीचे की तरफ आ गया। तो ए बी क्या बोलता है कि 38% हो या फिर 50% हो एक्स ए का, तो एक्स ए का जो रिट्रेसमेंट है, ध्यान से समझना गाइस, यहाँ पे ये जो एक्स ए का रिट्रेसमेंट है वो 38 हो या फिर 50 हो, तो ये कितना है, 50% है एक्स ए का। मतलब ये हुआ कि ये फर्स्ट रूल को फॉलो कर लिया। अब दूसरा रूल इसका क्या बोलता है, हम लोगों को फाइंड करना है एक्स मिल गया, ए मिल गया, बी मिल गया, अब हम लोगों को फाइंड करना है बी सी। बी सी क्या होता है, 38% या फिर 88% हो ए बी का। तो जैसा कि आपको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, एक्स पॉइंट है, यहाँ पे हम एक्स लिख देते हैं। एक्स के बाद ये कौन सा पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। एक्स ए, ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, तो मैं यहाँ पे बी लिख देता हूँ। अब हम लोगों को फाइंड करना है बी सी, मतलब बी सी, बी सी कितना परसेंट होना चाहिए, 38 या फिर 88, किसका है, ए बी का, तो ए बी ये है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी पे रिट्रेसमेंट चेक करेंगे कि ये कितना परसेंट हो रहा है। अगर 38 या फिर 88 होगा तो ये काम करेगा।
तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना परसेंट का रिट्रेसमेंट हुआ है, 38 और 50, 50 के ऊपर है। इसका मतलब क्या हुआ, रूल क्या बोलता है, 38 और 88, मतलब 38 से ज्यादा 88 से कम। तो देख सकते हैं 88 ये वाला पॉइंट है, 0.88 के ऊपर है और 38 के नीचे है, मतलब ये भी रूल ये प्रॉपर फॉलो कर रहा है, अभी तक तो ये सही जा रहा है। अब लास्ट स्टेप कौन सा, हम लोगों को ये फाइंड पता चल गया ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है हम लोगों का सी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सी लिख देंगे, ये वाला जो इम्पल्स है इस इम्पल्स का ये सी मिल गया। अब हम लोगों को डी फाइंड करना है, तो सी डी क्या होता है, 88 होना चाहिए ए बी का, तो ए बी कौन सा है, यह है ए बी। अब हम लोगों को ए बी का 88 फाइंड करना है। सॉरी गाइस, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, ये ए बी का नहीं होगा बल्कि एक्स ए का होगा, ठीक है, इसको मैं एडिट कर देता हूँ, सॉरी एक थोड़ी गलती से हो गई है, टाइपिंग एरर हो गया आई थिंक, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी। ये जो है ना 88% एक्स ए का रिट्रेसमेंट होगा, ठीक है, तो एक्स ये है ए ये है। और हम लोग क्या करेंगे, एक्स से लेकर ए तक का फिबोनाची लेवल्स लगाएंगे, देखेंगे कि 88 से होता है या नहीं होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.88 लिखा हुआ है, तो 88 से ये रिट्रेस होकर कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये हम लोगों को क्या मिला, सी डी मिला। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या नाम देंगे, डी पॉइंट। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी। तो ये सारे लेवल को ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। आई होप आपको अभी तक सब कुछ जो मैंने बताया क्लियर हो गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट आपको रूल पता होना चाहिए, अगर रूल आपके सामने हो तो रूल देख देख कर आप पैटर्न को खोज सकते हैं। अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, एक्स ए बी सी डी पैटर्न लूंगा। हार्मोनिक के जितने पैटर्न होते हैं उसमें 5 लेग होते हैं, जैसे कि एक्स होगा पहला, दूसरा ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा, देन डी होगा। इसमें टोटल कितने लेग है देख सकते हैं आप, 1, 2, 3, 4, 5 लेग है, तो इसमें 5 लेग होते हैं। तो अब मैं एक्स ए बी सी डी पैटर्न ले लिया यहाँ से। एक्स हम लोग क्या क्या है, ये ए कौन सा पॉइंट है, ए मैं यहाँ ला दूंगा। बी कौन सा पॉइंट है, ये सी कौन सा पॉइंट है, मैं सी पे ला दूंगा। डी कौन सा पॉइंट है, ये। अब अगर आप यहाँ पे एक छोटी सी चीज अगर ध्यान से समझेंगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मिलने वाला है, जो सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो की। मैं यहाँ पे 88 कर देता हूँ क्योंकि ये 88 से रिट्रेस हुआ है, एक दो पॉइंट ऊपर नीचे चल सकता है, ठीक है। तो देखिए एक्स ए का जो रिट्रेसमेंट हुआ है 0.5, 50% से हुआ है। रूल क्या बोलता है, 38 और 50 होना चाहिए ये रूल। यहाँ ये जो एक्स ए बी सी डी पैटर्न जब आप यूज करिएगा ना, तो यहाँ पे आप लोगों को फिबोनाची के लेवल पे ही सब कुछ डिपेंड होता है। ये आपको फिबोनाची का लेवल निकाल कर दे देगा कि कितना परसेंट से ये रिट्रेस हुआ है, तो 50% से हुआ है। अब बी सी देखेंगे तो इस इम्पल्स का बी सी कितना हुआ है, 50%। बी सी क्या बोलता है, 38 से लेकर 88 के बीच में होना चाहिए, तो 50 है, तो 88 के ऊपर है, 38 के नीचे है, ये भी प्रॉपर काम किया है। अब सी डी जो है वो कितना परसेंट होना चाहिए, 88% होना चाहिए एक्स ए का। एक्स ए का जो रिट्रेसमेंट है ये सी डी है, यहाँ पे 90 हो गया, इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे तो 88 हो जाएगा, 89, 88, ठीक है। तो ये लगभग यहीं से पॉइंट नीचे आया। अब इसको हम लोग बोलते हैं, जो डी पॉइंट हम लोगों को मिलता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया था, पी आर जेड, पोटेंशियल रिवर्सल जोन। आपको यही चीज फाइंड करना है हर एक पैटर्न में। तो हम लोगों का पोटेंशियल रिवर्सल जोन ये मिला, इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट जब इस जगह पे आएगा तो यहाँ से अपना ट्रेंड को बदल सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही डी पॉइंट पे आया, अब यहाँ से मार्केट गैप डाउन हो गया। अगर टाइम होता तो ये रिटेस्ट करके वापस से कंटिन्यूसली नीचे आता, बट यहाँ पे क्या होते हैं डी पॉइंट, ये रिवर्सल जोन, यहाँ पे सारे ने क्या किया, सेलिंग का ऑर्डर लगा दिया, मतलब पुट को खरीद लिया, फिर कॉल को बेच दिया, सबने शॉर्ट करा, मार्केट गैप डाउन खुल गया उसकी वजह से। तो ये पैटर्न होता है, ये पैटर्न का पावर है। अगर आपको पोटेंशियल रिवर्सल जोन, पी आर जेड जोन फाइंड कर लेते हैं आप, तो बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। जहां आपका डी पॉइंट होगा ना, वहां से मार्केट अपना ट्रेंड बदल देगा। जैसे ये अप ट्रेंड था, अब ये कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में आने लगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं बैट पैटर्न। यह हार्मोनिक का पहला पैटर्न था, थोड़ा टाइम लग गया समझाने में, बट मैं धीरे धीरे आसान भाषा में समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। रूल जरूर लिखिएगा नोटबुक में ताकि आपको काम आए। अरे मैं तो एक चीज बताना भूल ही गया, आप लोगों को एंट्री कहाँ लेना है, डी पॉइंट पे, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया, जो आपका पोटेंशियल रिवर्सल जोन होगा। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना है आप लोगों को इस डी के ऊपर, मतलब एक्स जो है ना हमारा, एक्स के पास हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे इस डी के ऊपर, जो हमारा एक्स होगा ना, यहाँ पर हम इस पॉइंट का एसएल लगाएंगे, क्योंकि अगर इसके ऊपर जाता तो ये पैटर्न फेल हो जाएगा, तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा, टारगेट बहुत बड़ा होगा। फर्स्ट टारगेट आपका क्या है, पॉइंट बी, दूसरा पॉइंट सी। तो फर्स्ट टारगेट आपका होगा ये वाला लाइन, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। फर्स्ट टारगेट होगा आपका पॉइंट बी, मतलब यहाँ पे अगर आप खरीदते हैं तो आपका फर्स्ट टारगेट ये होगा और दूसरा टारगेट पॉइंट सी ये वाला होगा,
ठीक है, और अगर इसके नीचे और जाता है तो आपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रह सकते हैं। तो ये दूसरा टारगेट, ये पहला टारगेट, ठीक है, एंट्री यहाँ लेना है, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट। आई होप आपको ये चीज़ अब समझ में आ गया होगा, सॉरी मैं ये बताना आपको पहले भूल गया था। चलिए अब हम लोग दूसरे पैटर्न की ओर बढ़ते हैं और दूसरा पैटर्न देखते हैं कि वो क्या होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरा पैटर्न जो है बटरफ्लाई पैटर्न है, ठीक है। बटरफ्लाई पैटर्न, उसका भी कुछ रूल होगा, इसका भी अलग अलग, सारे पैटर्न का अलग अलग रूल है, अलग अलग रेगुलेशन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सब में एक चीज कॉमन होगा, सबका लेग 5 होगा, बस उसका फिबोनाची लेवल अलग अलग हो जाएगा, उसका जो रिट्रेसमेंट लेवल होगा वो अलग अलग हो जाएगा। तो सेम है, चलिए अब मैं इसको एक बार ग्राफ पे आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने पहले से ही ड्रॉ करके रखा हुआ है, यहाँ पे मैंने रूल भी लिख दिया है। अब मैं इसको डिलीट करके एक बार आपके सामने ड्रॉ करता हूँ और आपको अच्छे से समझाता हूँ। पहले हम लोगों को क्या करना है, इंपल्स लेग फाइंड करना है। तो इंपल्स लेग क्या होगा, देख सकते हैं, ये भी इंपल्स लेग हो सकता है, ये भी इंपल्स लेग हो सकता है, जो हमारे रूल को फॉलो करें। तो क्या है, 78% रिट्रेसमेंट होना चाहिए एक्स ए का। हम लोग इसको एक्स ए तभी मानेंगे जब ये जो रिट्रेसमेंट है ना 78% का होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहां से मैं फिबोनाची लगाता हूँ इस बॉटम तक, देखते हैं कहाँ से रिट्रेस होके या वापस नीचे की तरफ आया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो लाइन है ना, ये 78% का है। तो इसको एग्जैक्टली 78 को टच करके मार्केट वापस कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ आ गया है। तो ये जो पहला हमारा रूल था, इसको ये प्रॉपर फॉलो किया है, मतलब एक्स ए जो है इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ए बी हमारा मिल गया है, 78% से रिट्रेस होके आ गया है। तो एक्स ए बी मिल गया। अब बी सी क्या बोलता है, 38% होना चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम 88% होना चाहिए ए बी का। तो ए बी तो हमारा ये है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए से लेकर बी तक का फिबोनाची लगा लेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी लगभग पहला दूसरा, ये भी 78 से रिट्रेस हुआ है। तो 38 मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 88 होना चाहिए, 88 का ही है, इसके ऊपर से रिट्रेस हो गया। तो ये हमारा दूसरा पैटर्न जो है, दूसरा रूल जो है, इसको भी ये प्रॉपर फॉलो कर रहा है। तीसरा क्या होता है, सी डी होना चाहिए 127 टू 161 ए बी का। फिर यहाँ पे मैंने गलती कर दी, ये ए बी का नहीं बल्कि एक्स ए का रिट्रेसमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स से लेकर ए तक का रिट्रेसमेंट लगाएंगे और 127 या फिर 161। तो यहाँ पे देख सकते हैं 161 है, बट यहाँ पे आपको 127 नहीं दिख रहा होगा। तो आपको क्या करना है, सेटिंग में यहाँ पे जाने का है और यहाँ पे देख सकते हैं और भी बहुत सारे फिबोनाची के लेवल्स हैं जो आपको ऑन कर देना है, 1.272 को ऑन कर देना है। तो यहाँ पे आ गया 1.27, ये लगभग 60 के थोड़ा सा नीचे से डिटरस होकर कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये तीसरा जो हमारा है सी डी लेग, ये भी हम लोगों को मिल गया। अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे पैटर्न को लगाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स ए बी सी डी पैटर्न लेंगे। तो हम लोगों ने इसको एक्स माना था तो एक्स हो गया, इसको हम लोगों ने क्या माना था ए। तो ये कितने से 78% से रिट्रेस हुआ था, 77, 79, 78, ये एग्जैक्टली हो गया। यहाँ से मार्केट फिर नीचे आने लगा, तो ये कितने परसेंट से रिट्रेस हुआ, ये भी 78% से रिट्रेस हुआ। और डी जो है हमारा वो 161 पॉइंट से रिट्रेस होना चाहिए, 16, थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, 1.161। तो ये पॉइंट से मार्केट फिर कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ आ गया। तो डी क्या होता है, पीआरजेड होता है, पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जिसको मैंने आपको पहले बताया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक जोन फॉर्म कर लेंगे और जैसे ही मार्केट इस जोन में इंटर करेगा, हम लोग क्या करेंगे, बेचना स्टार्ट करेंगे या फिर शॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस जोन में मार्केट गया है, उसके बाद फिर कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ आ गया है। तो हमारा एंट्री पॉइंट क्या होगा, डी पॉइंट होगा। आप सी पॉइंट पे भी एंटर ले सकते हैं और डी के लिए आपका हमारा आपका फर्स्ट टारगेट होगा, अगर इतना चीज फॉलो होता है तो। बट सी से लेकर डी पे जाना, ये कैसे जाएगा आपको पता नहीं है, आपकी प्रीमियम की ऐसी तैसी कर देगा, वो भी हो सकता है। और दूसरी चीज, जरूरी नहीं है कि डी तक जाए, अगर नीचे चला जाएगा तो आपका ये पैटर्न फेल हो जाएगा। बट सारे रूल को अगर ये फॉलो कर दिया, डी पॉइंट भी बना दिया, तो ये कन्फर्म प्रॉपर पैटर्न बन जाता है, उसके बाद ये उसको 100% फॉलो करता है। तो डी पॉइंट पे गया, उसके बाद ये कंटिन्यूसली नीचे आ गया। तो इसके हिसाब से हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होता है, पॉइंट बी, दूसरा पॉइंट सी, तीसरा पॉइंट ए। तो आपका एंट्री क्या होगा, डी पॉइंट पे फर्स्ट टारगेट होगा आपका पॉइंट बी। तो एक काम करता हूँ, मैं पॉइंट बी पे एक लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। पॉइंट बी से मैं एक लाइन डाला। तो अगर आप इस रेड वाले कैंडल पे खरीदते हैं तो आपका फर्स्ट टारगेट क्या होगा, पॉइंट सी। आपका फर्स्ट टारगेट प्रॉपर अचीव हुआ है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे खरीदे, डायरेक्ट मार्केट यहाँ पे आया पॉइंट बी पे, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया है तो इतना चल सकता है, देख सकते हैं कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ, उसके बाद फिर मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ आया। दूसरा टारगेट होता है पॉइंट सी,
पॉइंट सी तक नहीं आया, पॉइंट बी आया। तो अगर आप ज्यादा क्वांटिटी लिए हो तो हाफ यहाँ पे बुक कर लीजिएगा, अगर आप देखते हैं कि यहाँ से रिजेक्शन मिला तो आप इसको पूरा बुक कर सकते हैं, अगर नीचे जा रहा तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पैटर्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टॉप लॉस डी पॉइंट के थोड़ा सा ऊपर रखना है, ठीक है, ज्यादा ऊपर नहीं रखना है। इसका स्टॉप लॉस ना के बराबर होता है, अगर डी पॉइंट पे आप खरीद रहे हैं तो थोड़ा सा ऊपर रखेगा, स्टॉप लॉस हिट हो गया मतलब पैटर्न फेल हो गया। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। इसको बोलते हैं बटरफ्लाई पैटर्न रूल। तो अभी तक मैंने आपको बैट पैटर्न बता दिया और बटरफ्लाई बता दिया, अभी पांच पैटर्न हो रहे हैं। चलिए अब हम लोग अगला पैटर्न देखते हैं कि वो कौन सा पैटर्न है, उसको कैसे यूज करते हैं। तो हमारा अगला जो पैटर्न है वो है गाटली पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे गाटली का भी मैंने रूल लिख दिया है कि इसका क्या रूल होता है, लेग सम में सेम होता है, ये आपको अब तक समझ में आ गया होगा। एंट्री पॉइंट डी होता है, पोटेंशियल रिवर्सल जोन, स्टॉप लॉस डी के ऊपर अगर बुलिश है तो, और बेयरिश है तो डी के नीचे, ठीक है। और टारगेट क्या होगा, पॉइंट बी और दूसरा पॉइंट सी। चलिए अभी मैं आपको इसको ग्राफ पे एक बार करके दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले आप लोगों को फाइंड करना है इम्पल्स लेग। इम्पल्स लेग क्या होगा, एक्स से, एक्स से हम लोग इसको तभी कंसिडर करेंगे जब एक्स का रिट्रेसमेंट 61 होना चाहिए, तब हम लोगों को ए बी मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टॉप से लेकर बॉटम तक का रिट्रेसमेंट लगाएंगे। रिट्रेसमेंट लगाने के बाद देख सकते हैं 0.6 मतलब 61 से ये रिट्रेस होके मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आया है। यहाँ तक देखिएगा आप, यहाँ तक मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आया, इसको नहीं देखना है, ये देखना है हम लोगों को, ठीक है। ऐसे आया एक्स ए बी, ये क्या है 61, 61 से कंटिन्यूसली मार्केट नीचे की तरफ आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रूल हमारा फॉलो हो रहा प्रॉपर, तो ये सही है। उसके बाद हम लोगों को फाइंड करना है बी सी, 38 हो या फिर 88 हो ए बी का, तो एक्स ए है बी है, तो हम लोग क्या करेंगे यहां से रिट्रेसमेंट लगाएंगे। ए पॉइंट हमारा ये बॉटम है, ये हमारा बॉटम और ये टॉप पे मैंने यहाँ पे लगा दिया। ये कितने परसेंट से रिट्रेस होके ऊपर जा रहा है, 88 से, यहाँ पे देखिए 0.88 लिखा हुआ, इसका मतलब है इसको मैं थोड़ा इस तरफ कर देता हूँ, देख सकते हैं 0.88 है, मतलब ये 0.88 से रिट्रेस होके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये X हुआ, ये A हुआ, ये ए बी हो गया, BC क्या है 38 से हो रहा, तो BC भी हमारा मिल गया। और CD क्या होता है, 78% होना चाहिए AB का नहीं XA का, सॉरी यहाँ भी मैंने मिस्टेक करा है, बट मैं अभी जो आपको बता रहा हूँ उस पर आप ध्यान दीजिएगा। CD जो हमारा होगा ना वो 78% रिट्रेस होगा XA का, तो X ये पॉइंट है और A ये पॉइंट है, हम लोग यहाँ इधर कंसिडर कर सकते हैं। तो देख सकते हैं 78 के थोड़ा सा ऊपर से मार्केट रिट्रेस हो गया, कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ गया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक जोन क्रिएट कर देंगे, ठीक है। ये जोन हमारा बन गया, इसको हम लोग कौन सा जोन बोलेंगे, इसको हम लोग कंसिडर करेंगे पी आर जेड जोन, पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जहाँ से मार्केट अपना ट्रेंड बदलता है। अब हम लोग यहाँ पे एक्स ए बी सी डी पैटर्न लेंगे और पैटर्न लगाएंगे, ये हमारा एक्स हुआ, ये हमारा ए, ए बी कितना परसेंट रिट्रेस होना चाहिए, 61%, 61 में प्रॉपर लगा देता हूँ, 61 ये हो गया, और ये होना चाहिए लगभग 88 यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये एग्जैक्टली आपको फिबोनाची का लेवल देगा अगर आप एक्स ए बी सी डी पैटर्न यूज करते हैं, तो ये आपको लगभग होगा 77-78, ठीक है, 78% एक्स ए का, एक्स ए का यहाँ पे गलती से ए भी लिखा गया, तो एक्स ए का यहाँ पे जोन फॉर्म हो गया डी पॉइंट। यहाँ पे बोलते हैं पीआरजेड, पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जहाँ से लोग शॉर्ट करते हैं या फिर बेचते हैं, आप यहाँ पे ट्रेड लीजिएगा, मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आएगा। तो आपका एंट्री पॉइंट हुआ डी, आपका फर्स्ट टारगेट क्या होगा बी होगा, सेकंड टारगेट आपका सी होगा, देख सकते हैं बी भी अचीव हुआ फर्स्ट कैंडल से ही, और सी भी आपका अचीव हुआ, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गया है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, मतलब कि गाटली पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अगले पैटर्न के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं साइफर पैटर्न रूल, ठीक है। साइफर का क्या रूल होता है, यह भी साइफर एक हार्मोनिक पैटर्न ही है, जितना भी ये सब हार्मोनिक पैटर्न है, तो साइफर का भी कुछ रूल है, ये सारे रूल को अगर ग्राफ फॉलो करता है तो वो साइफर के कैटेगरी में आ जाएगा। तो यहाँ भी सब लेग सेम होगा, बस रिट्रेसमेंट अलग अलग हो जाएगा, मतलब जो फिबोनाची का लेवल है वो अलग अलग होगा, सारे पैटर्न का अलग। अगर एक पैटर्न फेल हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वहां पे कोई ना कोई पैटर्न तो फिट जरूर होगा। तो अब सारे पैटर्न आपको पता होना ये बहुत ज्यादा ही जरूरी है। चलिए मैं ग्राफ पे चलता हूँ और आपको साइफर पैटर्न ड्रॉ करके समझाता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने रूल भी लिखा है और साइफर पैटर्न को ड्रॉ करके भी रखा है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, एक्स है, आपको मैं दिखाता हूँ कि ये जो एक्स है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्स लेग,
और ए बी क्या होगा 38% या फिर 61% होना चाहिए एक्स ए का। तो ये एक्स है ये ए है, इसका रिट्रेसमेंट कितना हुआ है 61, तो 61 है ना, 38 या फिर 61 होना चाहिए। तो 61 से रिट्रेस होके फिर ऊपर की तरफ गया है, यहाँ देखना ये रिट्रेसमेंट लेवल आपको बताता है, ये परफेक्ट काम किया। आपको दूसरा पॉइंट भी यहाँ पे लिखा हुआ, पॉइंट बी शुड नॉट क्रॉस 61, 61 के नीचे मार्केट, इसका पॉइंट नीचे नहीं गया है, तो ये चीज आपको प्रॉपर समझ में आना चाहिए। और उसके बाद बी सी, ये जो बी सी होगा ना वो क्या बोलता है 127% होना चाहिए या फिर 141 होना चाहिए एक्स ए का। तो ये एक्स है ये ए है, इस दोनों का रिट्रेसमेंट कितना 127, यहाँ से मार्केट फिर नीचे की तरफ आया है, तो ये भी प्रॉपर काम कर रहा है। आई होप आपको ये भी चीज समझ में आ गया होगा। बीसी मिल गया, अब हम लोगों को फाइंड करना है सी डी पॉइंट। सी डी पॉइंट क्या बोलता है 0.78% रिट्रेसमेंट होना चाहिए एक्स सी का। तो एक्स से लेकर सी तक का जब आप रिट्रेसमेंट लेवल लगाइएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 78% रिट्रेसमेंट, देख सकते हैं ना 0.78, 78% का रिट्रेसमेंट, मतलब कि ये बुलिश साइफर प्रॉपर काम कर रहा है, सारे पैटर्न को भी फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा जोन बनेगा डी पॉइंट पे, आप लोगों को ये चीज पता ही है, डी पॉइंट पे बनता है पी आर जेड जोन, पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जहां से लोग लॉन्ग करना स्टार्ट करेंगे डी पॉइंट से। तो इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। एंट्री लेना है डी पे, स्टॉप लॉस आपका एक्स के नीचे हो जाएगा या फिर ऊपर हो जाएगा। फर्स्ट टारगेट होगा 38% एक्स सी का, सेकेंड टारगेट होगा 60%, थर्ड टारगेट होगा 88। तो यहाँ पे देखते हैं कि आखिर ये कितना को फॉलो किया। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रिट्रेसमेंट लेवल लगाएंगे एक्स सी का, एक्स ये है और सी ये है, तो एक्स से लेकर सी तक का रिट्रेसमेंट लगा देना है, सॉरी इसको एक्स सी का रिट्रेसमेंट लगाना है ना, तो सी से एक्स तक का लाएंगे, ये एक्स है ना, तो बस आपको पीछे देखना है, ये एक्स तक मैं ले आया। उसके बाद मैं इस पैटर्न को एक बार डिलीट कर देता हूँ। तो अगर आप डी पॉइंट, जो आपका डी पॉइंट था जो यहाँ पे आपको मैंने पहले जोन क्रिएट करके दिखाया था, यहाँ से आपको डी पॉइंट से एंट्री लेना है। फर्स्ट टारगेट क्या है 38, सेकेंड टारगेट 50, थर्ड टारगेट 61, यहाँ पे मैंने लिखा है ना 38, 61 और 88, मतलब कि ये 88 तक जा सकता है, 88 ये वाला लाइन है, बट ये ऊपर कहाँ तक गया है 78 के थोड़ा सा नीचे से रिट्रेस होके नीचे आ गया। तो आपको जहां से रिवर्सल साइन मिलेगा आप अपना वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहाँ पे एंट्री लेना है, स्ट्रेट मूव दिया, कॉन्सोलिडेट किया, 78 के पास गया, आपको पता है कि 88 से ऊपर नहीं जाएगा, उसके नीचे से ही रिट्रेस होना है, तो 78 पे आप अपना पोजीशन को क्लोज कर दीजिएगा इतना देर कॉन्सोलिडेट किया है। तो आई होप आपको साइफर पैटर्न समझ में आ गया होगा। तो आपको बस एक चीज ध्यान में रखना है, रूल पता होगा सारे पैटर्न को आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम लोग अगला पैटर्न की ओर बढ़ते हैं। अब दूसरा जो पैटर्न है इसका नाम है क्रैब पैटर्न, ठीक है। सारे पैटर्न का आप नाम नोट कर लेना, नाम के साथ साथ उसका जो रूल है वो भी लिख लेना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो क्रैब पैटर्न है, क्रैब पैटर्न में भी सेम होगा, सारे लेग सेम होंगे, बस रिट्रेसमेंट लेवल अलग अलग होगा। चलिए मैं आपको इसको एक बार ग्राफ पे भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने लाइन इसमें ड्रॉ है ना आप उसको प्लीज इग्नोर करना, बस पैटर्न पे ध्यान देना और इसमें जो रूल है उस पर ध्यान देना। तो इसका रूल क्या बोलता है, सबसे पहले आपको ये देखना है एक्स ए का रिट्रेसमेंट 61 है, तो बिटवीन 38 टू 61 होना चाहिए, तो एक्स ए का रिट्रेसमेंट 61 है, ये प्रॉपर काम कर रहा है, फर्स्ट पार्ट क्लियर है। दूसरा 61 के नीचे नहीं जाना चाहिए, 61 के मार्केट नीचे नहीं आया, ये भी प्रॉपर काम किया। बी सी क्या होना चाहिए 38 या फिर 88 होना चाहिए ए बी का, तो ए बी का जो रिट्रेसमेंट है वो 88 है, मतलब 38 या फिर 88 होना चाहिए, तो 88 है, देख सकते हैं ना 88 से रिट्रेस होकर नीचे आ रहा है, आप यहाँ पे देखना 88 पॉइंट लिखा हुआ है, 88 से फिर रिट्रेस होकर नीचे आ गया। तो बी सी मिल गया, अब हम लोगों को सी डी फाइंड करना है। तो सी डी क्या होता है 161 होना चाहिए एक्स ए का, तो एक्स ए का जो होता है ना 161 ये पॉइंट आ रहा है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं मार्केट सी से टूटने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया, फिर कंटिन्यूअसली ये अपने डी पॉइंट पे आया। तो डी पॉइंट पे कौन सा जोन फॉर्म होता है, डी पॉइंट पे फॉर्म होता है पोटेंशियल रिवर्सल जोन। यहाँ पे हम लोग एक जोन बना लेंगे पी आर जेड जोन, और यहाँ से मार्केट फिर कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है बुलिश क्रैब है ये, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ये डी पॉइंट ऊपर की तरफ बनता तो नीचे की तरफ मार्केट आता। तो आपका फर्स्ट टारगेट क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं टारगेट वन होगा पॉइंट बी, और दूसरा टारगेट होगा पॉइंट सी। तो पहला टारगेट आपका क्या होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला टारगेट आपका क्या होगा पॉइंट बी, जैसा कि देख सकते हैं ये पॉइंट बी है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देते हैं, ठीक है,
और आप यहाँ पे देखिए फर्स्ट यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते हैं डी पॉइंट पे, थोड़ा सा ऊपर गया, डी टेस्ट किया, फिर कंटिन्यूसली आपको स्ट्रेट मूव दिया और कहाँ से वापस मार्केट, यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया है, ये निफ्टी का है और आज ही ये काम किया है, ये प्रॉपर आज मैंने इस पर ट्रेड भी लिया था। कल मैंने यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ गया, थोड़ा सा मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर गया, जैसे ही रिटेस्ट किया यहाँ पे मैंने लॉन्ग करा और अपने टारगेट पे एग्जिट करा। बट आपको पेशेंस चाहिए, आपको रूल पता होना चाहिए और प्रॉपर उसको सही तरीके से लगाने आना चाहिए। अगर ये सब चीज आप सीख जाते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पैसा बना सकते हैं। देख सकते हैं ना, इसको टच किया मार्केट नीचे आ सकता है, क्योंकि नीचे भी आ सकता है ऊपर भी आ सकता है, ये आपका फर्स्ट टारगेट था पॉइंट बी, देख सकते हैं ना। अब दूसरा टारगेट है पॉइंट सी, तो पॉइंट सी कहाँ है, ये है पॉइंट सी, अब यहाँ से ये ऊपर भी आ सकता है, बट डिपेंड करता है कि कहाँ आपको, अगर इतना टारगेट मिल रहा है तो इनफ है। देख सकते हैं आपको कितने पॉइंट का मूवमेंट मिला, 186 पॉइंट का निफ्टी में, बहुत बड़ा पॉइंट है गाइस। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग अगले पैटर्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला कौन सा पैटर्न है। तो वह हमारा अगला जो पैटर्न है वो है शार्क पैटर्न। ये बाकी पैटर्न से थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा लेग होता है जिसका नाम है ओ। फिबोनाकी लेवल्स, एंट्री एग्जिट लगभग सबका सेम होता है, बस फिबोनाकी लेवल्स अलग अलग होते हैं सब में। इसमें एक लेग भी एक्स्ट्रा हो जाता है शार्क पैटर्न में। तो अभी मैं इसको आपको ग्राफ पे जब समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस रूल्स को अपने नोटबुक में नोट कर लेना है। चलिए मैं आपको ग्राफ पे ले चलता हूँ और अच्छे से समझाता हूँ कि ये कैसे ड्रॉ होगा और इसमें हम लोग कैसे ट्रेड लेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे रूल लिख दिया है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि इसमें एक एक्स्ट्रा लेग होगा, ये इम्पल्स लेग है, ठीक है, ये जो होगा ओ और एक्स। फिर जैसे कि आप पहले पैटर्न यूज करते हैं एक्स ए बी सी डी, एक्स ए बी सी डी पैटर्न ले सकते हैं, बट एक्स से पहले जो है ना एक इम्पल्स लेग चाहिए, तभी ये प्रॉपर काम करेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा, ये पैटर्न फेल हो जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अभी हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं और आपके सामने मैं ड्रॉ करके समझा देता हूँ ताकि आपका भी डाउट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम लोगों को ओ एक्स मिल गया, अब हम लोग को बस जैसा पैटर्न बाकी में होता है वैसे इसमें भी करना है, ए बी फाइंड करना है। ए बी क्या होगा हमारा, 113 या फिर 16 होगा एक्स ए का, तो एक्स ए ये पॉइंट होगा हमारा, तो एक्स से लेकर ए तक का हम रिट्रेसमेंट लगा लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 16 से आ रहा है, तो हमारा पहला जो पैटर्न है 1.16 ये प्रॉपर काम कर रहा है, तो मतलब ये भी पैटर्न हमारा फुलफिल हो चुका है। अब उसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, हम लोगों का एक्स ए मिल गया, ए बी भी मिल गया, अब हम लोगों को फाइंड करना है बी सी। बी सी क्या होगा, 0.88 या फिर 113 होगा ए बी का, तो एक्स ए बी, ए बी का 0.88 होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक पैटर्न लगाएंगे टॉप तक, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.88, इसको मैं कर देता हूँ लेफ्ट की तरफ, सॉरी राइट की तरफ, आप लोगों के हिसाब से, तब आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देखिए 0.78 है, उसके बाद 0.888 है, तो यहाँ से क्या हुआ 88 से ये रिट्रेस होकर ऊपर गया कंटिन्यूअसली, तो यहाँ से भी ये भी पैटर्न हमारा फुलफिल हो गया। अब जो हमारा सी डी होगा वो 50% होगा बी सी का, तो हम लोग यहाँ से एक्स ए बी सी डी पैटर्न लेते हैं और ड्रॉ करते हैं। ये ओ है, ये एक्स है, एक्स ए, ये क्या होगा हमारा 161 होगा, 163, 161, यहाँ से प्रॉपर रिजेक्शन मिला, मार्केट नीचे की तरफ आया है, ये हमारा लगभग 88 होगा, जैसा कि आप लोगों को पता है 89 मतलब 88 लगभग एक पॉइंट का थोड़ा सा डिफरेंस है। और एक्स मिल गया, ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, डी पॉइंट जो होगा सी डी वो 50% होगा बी सी का, तो मैं यहाँ पे 0.52, 0.51, 0.50 और जैसे ही इस लाइन को टच किया है मार्केट फिर कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ गया है। तो आप लोग यहाँ पे दो तरह से एंट्री ले सकते हैं, सी से भी एंट्री ले सकते हैं डी के लिए, बट यहाँ से जो होगा मार्केट कैसे जाएगा ये आप लोगों को नहीं पता, मार्केट आपके प्रीमियम को मार के जाएगा या एक साइड मूव देगा ये पता नहीं है, बट डी से जो रिवर्सल पॉइंट आता है ना ये एक वन साइडेड मूव आएगा, मतलब बोले तो रिट्रेसमेंट होगा बट ऐसा आपका प्रीमियम उसमें नहीं जाएगा, डायरेक्ट जैसे ही इस जोन के अंदर जाएगा मार्केट वन साइडेड मूव आपको दे देगा। और इसकी जो टारगेट होती है ना ओपन टारगेट है, आपको सबसे पहला टारगेट तो मिल जाएगा सी पॉइंट, दूसरा ए पॉइंट, उसके बाद मार्केट जितना नीचे जाता है आप उसका फायदा उठा सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं शार्क पैटर्न। आई होप आप शार्क पैटर्न समझ गए होंगे। जैसा इसका रूल है आप इस रूल को लिख लीजिएगा और यहाँ पे भी पैटर्न है अब देख सकते हैं, पीडीएफ में का पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको डाउनलोड करके देख लेना, सारे पैटर्न का रूल भी होगा और सारे पैटर्न को मैं यहाँ पे बना के उसका जो है फोटो भी डाल चुका हूँ। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, सातों पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
इसमें मैंने आपको टोटल 60 पैटर्न के बारे में बताया हूँ, बैट को भी बता दिया हूँ, बटरफ्लाई भी, गाटली भी, साइफर भी, क्रैब भी, डीप क्रैब भी और शार्क भी। क्रैब और डीप क्रैब में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस थोड़ा सा फिबोनाची नंबर्स का इधर उधर होता है, ठीक है। इसमें आपको मैंने यहाँ पे रूल भी लिख दिया है, आपका जब पीडीएफ डाउनलोड करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसा कि ये साइफर पैटर्न है, ये क्रैब है और क्रैब के बाद डीप क्रैब है, एग्जैक्टली लगभग ये दोनों सेम होता है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।